हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल अपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के साथ साथ NCWEB के भी एडमिशन रिलीज़ करती है। दोस्तों, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड में वो वुमेन कैंडिडेट एडमिशन ले सकती हैं जो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाती किसी भी रीजन की वजह से। दोस्तों, ये सिर्फ वुमेन के लिए स्पेशली होता है और इसमें टोटल BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। सारा क्राइटेरिया दोस्तों एलिजिबिलिटी का सेम रहता है, जो कि अंडर ग्रेजुएट का रहने वाला होता है। क्लास 12 पास आउट होना इसमें कंपलसरी है। और दोस्तों, इसमें जो एडमिशन होते हैं वो कट ऑफ के बेसिस पर होते हैं, तो इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं जाती। और इसमें टोटल 23,000 अप्रॉक्सीमेटली सीट्स रखी गई हैं और 26 अंडर ग्रेजुएट सेंटर्स हैं, यानी 26 कॉलेजेस हैं जहां पर आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। NCWEB फैसिलिटेट द फीमेल स्टूडेंट ऑफ दिल्ली टू टेक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एग्जामिनेशन विद स्पेशल कोचिंग वंस अ वीक विदाउट अटेंडिंग द रेगुलर क्लासेस। NCWEB हैज़ इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट अकेडमिक ऑप्शन फॉर फीमेल स्टूडेंट। यानी दोस्तों, हफ्ते में एक बार या दो बार आपको क्लासेस अटेंड करनी होती हैं इसमें, तो ये रेगुलर कॉलेज की तरह नहीं होता। वुमेन एप्लीकेंट हु सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग सेक्शन मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू सेंट्रलाइज UG एडमिशन पोर्टल। अब दोस्तों, जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का पोर्टल होता है, उसी पोर्टल से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है अगर आप NCWE में एडमिशन लेना चाहती हैं। दे विल बी एडमिटेड बाय टीचिंग सेंटर ऑफ नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड फॉर एडमिशन टू BA प्रोग्राम BCom 3 ईयर। तो BA प्रोग्राम या BCom प्रोग्राम 3 ईयर वाले कोर्सेज में आप इसमें एडमिशन ले सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन BA प्रोग्राम इन ईच ट्रेनिंग सेंटर 284, यानी 26 सेंटर जैसे कि हमने आपको बताया, और हर सेंटर में 284 अप्रॉक्सीमेटली इसमें सीट्स हैं। और BCom प्रोग्राम में 184 सीट्स हैं हर टीचिंग सेंटर में। इसके अलावा दोस्तों, जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है SC ST वुमेन PWD कैंडिडेट के लिए, वो सेम ही रहने वाला होता है। अब दोस्तों, इस साल हो सकता है EWS सिस्टम भी यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रही है, तो वो भी इसमें इंप्लीमेंट होगा। परसेंटेज फॉर कट ऑफ विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट फोर सब्जेक्ट। यानी जो कट ऑफ आएगी उसको मैच करने के लिए आपके क्लास 12 के बेस्ट फोर सब्जेक्ट के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। बाकी दोस्तों, सेक्शन 2 है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो PDF है, ये 2018 का ब्रोशर मैंने डाउनलोड किया था, तो उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस साल कोई चेंजेस आते हैं या फिर कोई न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस होता है, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। एनी स्टूडेंट हु टेक्स एडमिशन इन एनी वन सेंटर ऑफ NCWEB विल नॉट बी अलाउड टू चेंज द सेंटर एट एनी लेटर स्टेज ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। अब दोस्तों, जो 26 सेंटर्स जिनके लिस्ट यहाँ पर गिवन है, इन सेंटर्स में आप कोई भी सेंटर अपना चूज कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आदित्य महाविद्यालय, आर्यभट्टा कॉलेज या फिर भारतीय कॉलेज हो गया, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप अपनी वीकेंड पर जाके क्लासेस अटेंड कर सकती हैं। बाकी दोस्तों, यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई कॉलेज चूज़ करते हैं, कोई सेंटर चूज़ करते हैं, तो उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन विल हैव टू सबमिट देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब एडमिशन के टाइम पर दोस्तों, सभी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, अपनी क्लास 12 की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप रिजर्व सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट। फ़ीस इसकी 3500 रुपये फ़ीस है दोस्तों, एनुअल फ़ीस जो होती है 3500 रुपये है। बाकी PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं रखी गई है। नॉन कॉलेजेड स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू परस्यू एनी अदर फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम। अब दोस्तों, यदि आप NCWEB में किसी भी कोर्स में BA प्रोग्राम या BCom प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो उसके साथ कोई और फुल डिग्री प्रोग्राम आप नहीं कर सकते। इट इज़ सजेस्टेड दैट द स्टूडेंट मे टेक एडमिशन इन अ सेंटर नियर देयर रेजिडेंस इफ पॉसिबल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो सेंटर है, जिस भी सेंटर आप सेलेक्ट करें, तो वो आपके हाउस जो है, घर है, उसके करीब होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ NCD दिल्ली, दैट इज़ आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड राशन कार्ड विद द नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ओरिजिनल विल हैव टू बी सबमिटेड। अब दोस्तों, क्योंकि ये जो इसमें एडमिशन होते हैं, ये सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट के लिए होते हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपना दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे,
जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो सकता है, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करें NCWEB इज़ अ यूनिक सिस्टम विद लेक्चर ऑन संडे लिविंग स्टूडेंट विद 6 वर्किंग डेज एज फॉलोज देयर ड्रीम इन दिस नैन एगो ऑफ 100% कट ऑफ क्लास रूम क्रंच जेंडर डिस्क्रिमिनेशन NCWEB इज़ अ वेलकम अरेंजमेंट एंड द मोस्ट सेटिस्फाइंग वे टू अटेन अ डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डेली। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेगुलर कॉलेज की डिग्री होती है और NCWEB भी डिग्री होती है, वो सेम ही रहती है। तो आप ये ना सोचें कि इसकी डिग्री में कुछ फ़र्क होगा, तो डिग्री की वैल्यू दोनों की सेम ही रहती है। एडमिशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स बाय डिक्लेयरिंग कट ऑफ। दोस्तों कट ऑफ के बेसिस पर इसमें एडमिशन होता है, कट ऑफ इसकी ज़्यादा हाई नहीं होती, 60% वालों का भी इसमें एडमिशन आराम से हो जाता है, 60 या 70% अगर आपकी क्लास 12th में है। इंटरेस्टेड फीमेल अप्लाइंग रेजिडेंस इन NCD दिल्ली आर ऑटोमेटिकली इनरोल फॉर NCWEB ऑन सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड ऑन NCWEB इधर BA और BCom और बोथ। BA या BCom या फिर दोनों में आप यहाँ पे एडमिशन चूज़ कर सकती हैं किस में आपको एडमिशन लेना है। सिंस देयर इज़ क्लास रूम टीचिंग नो रिटर्न मटेरियल इज़ गिवन, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड क्लासेस रेगुलरली एज द मिनिमम 66% अटेंडेंस हैज़ बीन मेड मैंडेटरी टू अपेयर इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन विच आर हेल्ड एनुअली इन द मंथ ऑफ मई। अब दोस्तों इसके जो एग्जामिनेशन होते हैं मई में होते हैं, तो उसमें अपेयर होने के लिए आपको जो अटेंडेंस है मिनिमम 66% होना आपकी कंपल्सरी है। NCWEB UG स्टूडेंट आर परमिटेड टू फिनिश दियर BA BCom 3-year डिग्री प्रोग्राम अपॉन पीरियड ऑफ 6 ईयर। दोस्तों टोटल 6 साल में आपको ये 3 ईयर प्रोग्राम है ये कंप्लीट करना होता है। बोर्ड प्रोवाइड लाइब्रेरी फैसिलिटी टू ऑल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन द रिस्पेक्टिव टीचिंग सेंटर एंड अ पोस्ट ग्रेजुएट लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन द आर्ट फैकल्टी। अब दोस्तों जो लाइब्रेरी फैसिलिटी है वो भी आपके जो कोचिंग सेंटर होगा, जो टीचिंग सेंटर होगा, वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों जो और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी NCWEB से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको बना के दे दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।